पंचायत चुनाव ने कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया है। दरअसल दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण त्रिस्तरीय चुनाव में एक ही सीट से कांग्रेस के कई लोग किस्मत आजमा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुलकर आखिर सपोर्ट किसको करें। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने की वजह से कोई भी उम्मीदवार दलीय बंधन में नहीं है। यही एक बड़ी वजह बन रही है कि एक ही पद के लिए एक ही दल के कई उम्मीदवार आमने सामने हैं। फिलहाल ऐसा कांग्रेस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिस वजह से बड़े नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी ये मानते हैं कि इससे दिक्कत हो रही है कि आखिर समर्थन किसको दें। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब पार्टी के साथ नहीं है तो किसको हम रोकें और किसको समर्थन करें, ये बहुत डिफिकल्ट दुविधा की स्थिति है पंचायत के चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि पंचायत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं वो उस पंचायत का जिंदा कौम है, वो इस पंचायत के जागरूक लोग हैं, तो कुछ न कुछ भला ही होगा। कांग्रेस का इस मसले पर कहना है कि फिलहाल ऐसी बातें पार्टी के संज्ञान में आना शुरू हुई हैं। बुधवार को जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि दलगत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी जरूर। कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी बैठक है, उसके उपरांत जिलावार प्रभारी के साथ माननीय प्रभारी की बैठक है, तो इन सारे मुद्दों को हम लोग उस बैठक में रखेंगे और उसके उपरांत हमें लगता है कि हम लोग यह तय कर लेंगे कि नैतिक के आधार पर कांग्रेस पार्टी का अगर एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को शिकस्त देने में सफल हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी स्थिति हर दल में दिख सकती है। कल तक साथ रहने वाले एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में है, जिससे राजनीतिक दल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर समर्थित उम्मीदवार का इन्हें दर्जा भी दें या नहीं। सहयोगी सुशील के साथ न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।